लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में बरेली और आंवला सीट पर होने वाले मतदान को लेकर शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट और उसके आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बैरिकेडिंग को लेकर अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष है। दरअसल बैरिकेडिंग की वजह से उन्हें अपने चैम्बर में आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इस मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने काफी देर तक कलेक्ट्रेट के पास हंगामा किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिलाधिकारी को बैरिकेडिंग केवल अपने परिसर में करवाना चाहिए था, आज से पहले इस तरह की बैरिकेडिंग कभी नहीं की गई है। फिलहाल अधिकारियों को काफी समझाने के बाद माहौल शांत हो गया।